नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में हरियाणा के फेमस शहर रेवाड़ी की बात करेंगे, जो कि दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर राजस्थान की सीमा के पास स्थित है। रेवाड़ी जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। इस जिले के प्रमुख नगर रेवाड़ी, दारूहेड़ा एवं बावल है। हरियाणा की पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध रेवाड़ी उद्योग के मामले में काफी विकास कर रहा है। इस जिले के दारूहेड़ा और बावल उद्योग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर कॉर्प का कारखाना इसी जिले के दारूहेड़ा में स्थित है। रेवाड़ी जिले का नाम और स्थापना राजा देवती सिंह ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर किया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस जिले को पृथ्वीराज सिंह चौहान के भतीजे कर्मपाल ने बसाया था। रेवाड़ी को सैनिकों की भूमि कहा जाता है। इस जिले में लगभग 35,000 पूर्व सैनिक एवं वीरांगना है और लगभग 25,000 सैनिक और सैन्य अधिकारी कार्यरत है। इस शहर में पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, हेरिटेज स्टीम लोको शेड। ये गुरुग्राम से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। ये भारत का एकमात्र रेलवे म्यूजियम है, जहाँ पर चालू हालत में भाप के इंजन मौजूद है। यहाँ पर भारत के भाप के इंजन के साथ साथ दुनिया का सबसे पुराना भाप का इंजन फेरी क्यून भी है, जो 1855 बना था। यहाँ कुल 8 भाप के इंजन मौजूद है। यहाँ इंजन के साथ ढेरों मूवी शूट हुई है, जैसे कि गदर, एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, सुल्तान, भारत और ढेर सारी। नंबर 2, टांकरी हिल। टांकरी हिल अरावली की पहाड़ियों पर एक बहुत खूबसूरत हिल है। इस हिल पर एक माता रानी का मंदिर भी है, जहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन 1000 सीढ़ियों को चढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। ये जगह एडवेंचर पसंद लोगों को खूब पसंद आएगी, और अगर आपको प्रकृति और पहाड़ों से प्यार है और आप ताजा हवा में सांस लेना चाहते हैं, तो इस पहाड़ी पर आ सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मानसून के मौसम में इस हिल की सुंदरता और बढ़ जाती है। नंबर 3, रेजांगला मेमोरियल पार्क। ये रेवाड़ी शहर के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है, जो राजेश पायलट चौक के पास आउटर बाईपास रोड पर स्थित है। यहाँ वॉकिंग और जॉगिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है। मूल रूप से यह रेजलांग थीम पर बना हुआ है, जो हमारे युद्ध नायकों के बारे में है। यहाँ एक म्यूजियम भी है। परिवार और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए ये पार्क अच्छा है। नंबर 4, इंदिरा फन एंड वाटर पार्क। रेवाड़ी में स्थित ये वाटर पार्क, जहाँ पर मजेदार बड़े स्विमिंग पूल उपलब्ध है। यहाँ बच्चों और परिवार के साथ दिन की पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, कैंटीन सुविधा आदि मौजूद है। ये विजयनगर के पास हुड्डा बाईपास रोड पर स्थित है। नंबर 5, बीएमजी मॉल। बीएमजी जिले में और आसपास के क्षेत्र में एकमात्र मॉल है, जहाँ बहुत सारे ब्रांड की फ्रेंचाइजी है। यहाँ डोमिनोज, बर्गर किंग और कुछ स्थानीय ब्रांड भी मिलेंगे, और यहाँ पर मूवी प्रेमियों के लिए एक सिनेमा थिएटर भी है। नंबर 6, राहुल तुलाराम मेमोरियल पार्क। ये जगह हरे भरे वातावरण के साथ रेवाड़ी के केंद्र में स्थित है। टहलने, जॉगिंग करने या दौड़ने के लिए यहाँ ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पर शाम का ब्रंच का आनंद लेने के लिए बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। नंबर 7, तेज सरोवर बाबा तालाब। इस तालाब का निर्माण 1800 ईस्वी में राव तेज सिंह ने स्नान हेतु करवाया था। तालाब के पास ही एक हनुमान मंदिर है, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यह स्थान हिस्ट्री लवर के लिए अच्छी जगह है। नंबर 8, श्री घंटेश्वर मंदिर। यह मंदिर मुख्य शहर में स्थित है। ये मंदिर 500 साल पुराना है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। इनके अलावा आप रेवाड़ी में जवाहरलाल नेहरू पार्क, भावल का किला, बागवाला तालाब आदि देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको रेवाड़ी में कौन कौन से स्थान पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।